उन पे आमसेक बुक कर दिया गया, उन पे जो मन चाहे वो केसा बुक कर दिए गए, तरह तरह के केसा उन पे डाल दिया। उनके एक 14 साल ना मासूम बच्चे को जेल को भिजा दिए, उसकी तू वो बच्चा भी इन्वाल है 14 साल का, जो बच्चे की वजह से लड़ाई हुई, उनके बच्चे को मारे, उन्होंने लड़े में गए, बच्चे को बचाने गए। खातिलों के पास जो है बड़े बड़े जंबी है, तलवार चेना हाथों में है, उनके ऊपर कोई केस बुक नहीं हुआ। वहाँ के एसपी लोकल जो है विष्णु वारियर साहब को उनके हाथ में हथियार नहीं दिख रहे। मैं आपको हथियार बताता हूँ उनके हाथ में, इतने बड़े बड़े जंबिये हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ ये विष्णु वारियर साहब को क्यों नहीं दिख रहा, ये हथियार उनकी क्यों नहीं दिख रहा है, कई वेपन से ये क्या है, ये आप लोग बोलिए ये क्या है। और एक बात आप लोगों से मैं मुतालबा करना चाह रहा हूँ कि जो है आदिलाबाद में 90 डेज में बेल होने के दिन 90वें दिन जो है 4 बजे लग गए चार्जशीट डाली पुलिस, 4 बजे शाम में चार्जशीट डाल दी। और ये चार्जशीट वेपन की जो है 3 महीने के अंदर जो है वेपन के लाइसेंस की जो है रिपोर्ट मंगवा ली गई, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवा ली गई, पोस्टमार्टम जो मरहूम हो गए उनकी रिपोर्ट मंगवा ली गई। 3 महीने के अंदर विष्णु वारियर साहब को इतनी दिलचस्पी थी, इतने जिम्मेदार ऑफिसर है उन्होंने, फारूक को 3 महीने के अंदर स्पेशल कोर्ट पे केस चला दिए, हाईकोर्ट से परमिशन ले लिए, डेली ट्रायल चालू करवा दिए, आज के पेपर इनाडू में डलवा दिए। हम आप लोगों के जरिए पूछना चाह रहे हैं, तेलंगाना में रोज आए दिन कत्ल हो रहा, इन सब पे जो है स्पेशल कोर्ट नहीं काम कर रही, इनको जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट पे नहीं चलाया जा रहा, क्या तेलंगाना में विष्णु वारियर साहब अकेले ही काबिल ऑफिसर है, बाकी सब क्या है, फिर उन लोग क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे। अभी हैदराबाद में क्या बना उस्मानी हॉस्पिटल डॉक्टर, डॉक्टर का कहना है कि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, 48 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखते, वेंटिलेटर लगाते और जो है बोल नहीं सकते, 50-50% है कंडीशन, आपके हिसाब से डैमेज हो गया बोल के डॉक्टर बोल रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे, मैं उनके साथ ही था, अभी बाहर निकला, कंडीशन बहुत सीरियस है, क्रिटिकल है भाई, हमारी क्रिटिकल कंडीशन है। अभी हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि बार बार यही बोलना चाह रहे हैं कि आदिलाबाद की पुलिस एक तरफा फैसला कर रही, जिसमें तमाम लोगों को पता चल गया कि पुलिस आदिलाबाद की एक तरफा फैसला कर रही। आप उनके बोले और भाई है या? मैं भी फारूक का भाई हूँ, रिश्ते का साला भी हूँ, मैं फर्स्ट से केस को देख रहा हूँ, हर बेल में उनके मैं उनका जितनी मदद हो सकती कर रहा हूँ। यहाँ से अल्लाह उनको हमारी तरफ से दुआ है, जाफर साहब को अल्लाह अच्छा रखे, उन्होंने हमारी तकरीबन मदद करी, हर केस में हर बार मदद कर रहे, हम उनसे हर बात में बात कर रहे, उनकी मदद हमारे हो रही, लेकिन केस में एक तरफा फैसला रहा, उससे हमारा बहुत जो बोलना चाहिए कि हमको इतना प्रॉब्लम हो रहा, जितनी हम मदद चाह रहे उतनी हमको मिल रही है। और तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारी खास करके अपील है, जो भी है एमएलए साहब जो भी कर रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, हमको मालूम नहीं कौन कर रहे, जो लोग बोल रहे हम सुन रहे हैं, हम तो यहाँ हैं, लेकिन गलत हो रहा, हमको इंसाफ चाहिए, फारूक साहब के साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत है, इसकी इंक्वायरी चाहिए। तुम इस टीचर का था? टीचर को पकड़ का दराज इधर।